आपको पता है बुआ जी कल चली जाएंगी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्यों? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज है दिन संडे, डेट है 16 जून, और अभी सुबह का टाइम है। मेरी दीदी और भाभी हमारे लिए नाश्ता प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद हमने सोचा है आज वर्ड्स ऑफ वंडर जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं बच्चे और उनका बहुत मन है वर्ड्स ऑफ वंडर जाने का। तो अब नाश्ता वगैरह करके हम वर्ड्स ऑफ वंडर के लिए ही निकलेंगे, तो उसका आज मैं आपको थोड़ा सा व्लॉग शूट करके दिखाऊँगी। चलो चलो राजा, मैं आ रही हूँ। चलो 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 चलो, सैंडी देख के उतरना, आगे जाना। बाबू सुनो, सार्थक आप तो हमेशा ही आगे बैठते हो ना जब जाते हो। हाँ तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं वर्ल्ड्स ऑफ वंडर। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता ही मान लीजिए अपने व्हीकल से। तो अब जैसे कि आपको दिख रहा है पहुँच चुके हैं, तो अब हम टिकट वगैरह लेंगे, तो उसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि हम अंदर गए थे तो ऑब्वियसली वाटर राइड्स होती हैं, तो उसमें आपका फ़ोन सेफ नहीं होता है, तो उसी वजह से मैंने अपना जो फ़ोन है पर्स में रख दिया था, और मेरे पास उसके लिए कोई पाउच अवेलेबल नहीं था कि मैं उसको अंदर ले जा सकूँ, तो मैंने फ़ोन को पर्स में ही रख दिया था। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग का ही कुछ मैंने 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक किए थे कि जिसे कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो आई होप आप उन्हीं से काम चला सकें, उन्हीं से थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमने इन्जॉय किया था। ये बस स्टार्टिंग का ही सीन था, आगे काफ़ी सारे राइड्स थे, वो सब मैंने नहीं उसके बारे में क्लिक किया क्योंकि मैंने फ़ोन रख दिया था। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम वर्ल्ड्स ऑफ वंडर से आ चुके हैं और अभी शाम का टाइम हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी दीदी को लेने के लिए जियाजी आए हुए हैं, तो अभी हम उनका खाना लगा रहे हैं और कुछ देर बाद वो लोग निकल जाएंगे और मैं भी जाऊंगी अपने ससुराल में। सोमवार की सुबह में जाऊंगी, तो आज तो अभी दीदी जाएंगी, तो उसी का थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी। एंड फ्रेंड्स, अभी दीदी जा चुकी हैं, मैंने उनका रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली जो माहौल था थोड़ा सा इमोशनल हो रखा था, तो मेरे को रिकॉर्ड करना सही नहीं लगा था, तो मैंने दीदी के जाने का रिकॉर्ड नहीं किया था। अब रात का टाइम हो रहा है, ऊपर तीनों बच्चे सो रहे हैं रूम में, सो क्या रहे हैं, वो तो टी वी देख रहे हैं, मुझे लगा था सो गए होंगे, तो मैं जस्ट देखने आई थी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? आपको सोना नहीं है? सार्थक सोना नहीं है? मुक्की, आपको पता है बुआ जी कल चली जाएंगी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्यों? और सार्थक आपको? मुझे
हाँ बाबू, यही सोना है, आप सो जाना इधर सोफे पे। मम्मी नहीं आप। अच्छा बाबू नीचे सोएंगे, आज मामा जी आएंगे। नहीं। अच्छा चलो हमारे फ्रेंड्स को बाय बोल दो। बाय। क्या बोलो सर, मुक्की बाय कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, लेकिन मैं आज अच्छी नहीं हूँ। अब ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अपने मायके रहने के लिए आई हुई हूँ, लेकिन आज मेरा लास्ट डे है। मैं कल सुबह में यहाँ से चले जाऊँगी, जो मेरा बड़ा भाई है वो लेकर जाएगा मुझे। तो आज लास्ट डे है, मतलब कि यहाँ पर मेरी लास्ट नाइट है। मैंने सामान वामान पैक कर लिया है, तो वो ये पता ही नहीं चला कब में दिन बीत गए। सोचा था कि एक हफ्ते के लिए रहने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन एंजॉय तो बहुत किया, लेकिन एक मतलब ऐसा लग रहा है अभी की तो बात है, हम सोच रहे थे एक हफ्ते के लिए जाएंगे, रह के आएंगे, लेकिन ये एक हफ्ता कब में बीत गया पता ही नहीं चला। जो मेरी दीदी थी वो तो आज शाम को चली गई हैं, और मैं कल सुबह में जाऊँगी। मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी वक्त बीत गया, लेकिन चलो जैसे भी है, अब वापस तो जाना ही है, हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते ना मायके में, तो वहाँ भी जाना ही है। तो बस आज इतना कुछ खास नहीं लग रहा, रोने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन मैं रोऊंगी नहीं। मतलब वो यार इमोशनल तो हो ही जाते हैं ना, कि मतलब बस क्या कहूँ, बहुत जल्दी बीत गया ये हफ़्ता। एंड मैंने अपना सामान पैक कर लिया, आपको दिख रहा होगा ये है ना, ये मेरा सामान। ये मेरा सामान पैक हो गया है, तो हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। जो मेरे भाई है वो कह रहे थे सुबह 6 बजे निकल जाएं, क्योंकि काफ़ी दूर जाना होता है कह रहे हैं, अगर लेट करेंगे तो फिर हमें जाम मिल सकता है रोड पर, तो इसलिए हम जल्दी निकलेंगे, तो सुबह हमें जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैं उसका भी थोड़ा सा शूट करूंगी, आपको दिखाऊंगी। और अभी इसी टाइम इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, तो जो मेरी बाकी की फ़ैमिली है, जो मेरा छोटा भाई है, मम्मी है, वो इसी फ्लोर पर दूसरे रूम में टीवी देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है मैच देखना ना, मतलब सब इंजॉय कर रहे हैं मैच को, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया ही जीतने वाली है, लेकिन मेरा आज किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। मतलब मैं सब आप लोगों से और क्या कहूँ, इमोशनल हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन शो नहीं कर सकती। सीरियसली कैसा होता है ना, मतलब आज रात तो मुझे नींद नहीं आने वाली है, बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कैसा हो रहा है मन, बट चलो। वैसे ना कभी कभी तो पता है सच में ऐसा लगता है हम फीमेल्स कितना स्ट्रांग होती हैं, सच में हम बहुत स्ट्रांग है। कोई कहता है ना कि स्त्री महान होती है, सच में किसी ने बिल्कुल सही कहा है, स्त्री महान ही होती है, बहुत स्ट्रांग होती है फीमेल्स। इससे आगे ना मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। चलो हम सुबह में मिलते हैं, ठीक है? अभी तो ये रात का टाइम हो रहा था, मैंने अभी अपना सामान पैक किया था, तो सोचा थोड़ा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, सुबह में भी व्लॉग शूट करूँगी, ठीक है, यहाँ से जाने का, ठीक है, तो सुबह में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मंडे मॉर्निंग में निकलूँगी, तो फिर अभी जो मेरा बड़ा भाई है वो मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और क्योंकि रास्ता लंबा था तो जो सैंडी था वो दोबारा सो गया था, क्योंकि सुबह में मैंने उसको जल्दी में उठाया था, उसको दोबारा से नींद आ गई, तो रास्ते में वो तो सोता हुआ जा रहा था। और बस अब पहुँचने ही वाले हैं हम भी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और
अभी मैं घर आ चुकी हूँ, अपने ससुराल में आ चुकी हूँ। तो काफ़ी इमोशनल भी हूँ क्योंकि जो मेरी दीदी है, जेठानी है, अब वो अपने मायके चली गई हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अपने पहले से अपने मायके से होके आई हूँ, यहाँ पर भी बहुत खालीपन लग रहा है। मतलब अभी तो मैं कुछ कहने के उसमें नहीं हूँ, बस इतना ही कहना है आपसे भी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।